जय श्री राम, ओम श्री हनुमते नमः। आज गोटे पवित्र दिवस, आज पणा संक्रांति, श्री हनुमान जन्म उत्सव एवं आज मध्य महाविष्णु संक्रांति। यही एक पवित्र दिन रे श्री हनुमान जन्म आम शुणीचे। राम जन्म का हेतु अनेका, परम विचित्र एक त एक। कहिबार अर्थ होची श्री राम जन्म तार कारण प्रकट होबार कारण ए मर्त्य को आसीबार कारण अनेक अच्छी आम जानिने, अनेक कारण अच्छी। से भली हनुमान जन्म मध्य एक रहस्य, काहेकि से प्रकट होइछंती, काहेकि से अंजना का गर्भस्थ होइछंती, मां अंजना को गर्भस्थ होइछंती, आ काहेकि एभली एक पिता पाई ईश्वरी को एवं पवन को मध्य। कहिबार अर्थ ए रहस्य भितर तो आम एत पशिपर तेना गोटे दुटी कथ आम आलोचना करवा। जितेबले प्रभु श्रीराम प्रकट होता जन्म होता सेत खाली अयोध्यार आनंदर लहरी खेली जा ना, समग्र विश्व रे आनंदर लहरी, हसर लहरी, खुशी लहरी। एवं से सब देवता माने श्री राम को उपरे शून्य थाई आकाश मार्ग पुष्प वृष्टि करूथले। किंतु से ही समय रे शंकर भगवान ध्यानस्थ थे, जप करूथले, से तप करूथले। एवं जेते बेले जानिबा को पाइले, तप बल रे जानिबा को पाइले जे से जहां को जुग जुग धरी तपस्या करुछंती, जप करुछंती, तप करुछंती, ध्यान करुछंती, से प्रगट होइछंती अयोध्या रे दशरथंग नंदन हिसाब रे। आ सबु देवता माने दर्शन कर सारलेनी, पुष्पवृष्टि कर सारलेनी, से किंतु दर्शन करिनाहंती। मन रे टिके दुख हला एवं से चिंता कले मु केमिति जीवि प्रभु को दर्शन करी। प्रभु तो लीलामय से मानव अवतार नहीं आसीछंती, यदि शंकर भगवान निजस्व रूप नहीं जाती ताले कथाटा अलग प्रकार हो, सेपटे रावण मरवन। तेणु भगवान श्रीराम को दर्शन करने छद्म बेश नाक पड़ा। कहीं कहीं कहते शंकर भगवान एक ज्योतिष रूप नहीं गले, अर्थ भविष्य कथा कहीपर जी हाथ देखि जातक देखि गणना करें से ही रूप शंकर भगवान नेले। एवं तांको सहित जन चेला हिसाब रे कई कई कहती नारद जाइछंती, किंतु नारद भगवान राम जत जन्म हेबे नारद को कौ कथा अछपा। तेणु नारद निश्चित श्री राम को दर्शन करथिबे। तेणु काक भूषण टिके नहीं जाइछंती शंकर भगवान राम को दर्शन करिबा पई। तेणु दी जन जाकी शंकर भगवान हेगले गुरु, अर्थ मुख्य ज्योतिष, एवं तांको चेला हेले काकभूषण। अयोध्या पहुँचिंती, अयोध्या पहुँचिंती खबरटा चारिआड़े प्रचारित हला जे एभली जने ज्योतिष आसीछंती से जहा जहा कहउछंती सबुजाक सत कथा। तेणु एही कथा मध्य माता कौशल्या जानिले, दशरथ जाए कहिले शुणिल एमती जने ज्योतिष आसीछंती जे सी त्रिकालदर्शी तीन काल कथा से कही पारे डाकते आम पुअर भविष्य कथा कहते। एवं दशरथंकर परामर्श क्रमे शंकर भगवान जी कि छद्म बेश नहीं ज्योतिष हिसाब से जाते काकभूषण जाते से अयोध्या नगर भितर को पशिंट उपयुक्त आतिथ्य दे दशरथ महाराज। तापरे माता कौशल्या श्री राम को कोले धरी आनी एवं से ज्योतिष पाद तले रखीदे। जो पाद तले रखीदे कि प्रार्थना करे मो पुअर भविष्य कथा टिके कहतु, सेतेबले से राम कुनी राम कुनी पुओ से शंकर भगवान बाम गोड़ बुढ़ा अंगुटी धरी पकाइले। जिते धरी पकैले
शंकर भगवान कहले कौन कले प्रभु, मन मन कहते आप कौन कले, मु आपण को दर्शन करिया पई आसीथिले, आपण मोर प्रभु, आपण मोर इष्ट, किंतु आज आपण मोर पाद धरि पकोउछन्ति ना, किंतु आज मु शपथ करूची आपण सिना थरे मो पाद धरि पकेले, किंतु मु मध्ये आज शपथ करूची मु आपणकर जीवन सारा पाद सेवा करिवि, अर्थ सेवक ही रही। तेणु नहीं आसी शंकर भगवान किए ना हनुमान, हनुमान जन्म ही। पुणी कथा हूँ जन्म समय जितेबाला अंजना माँ छाड़ी जाते आम शुणीचे लोक कथा अच्छी हनुमान को भोक हो सी सूर्य जिते उदय होती सूर्य को भाई ये पाचिला फल ए पाचिला फल भाविक खावाप बास्तव रहा केते दूर सत केते दूर को आम जुक्तियुक्त भाव ग्रहण करवा कथा ता नुहे कथा हूँ जदि सी पाचिला फल बोली भाविले खावाई तेल यू आम गोटे जिनस शिखा कथा जे से पाचिला फल हूँ परिपक्व अवस्था कौन सी जिनस को तार अपरिपक्वता समय रे आमे ग्रहण करवा उचित नुहे नष्ट करवा उचित नुह। द्वितीय कथा सूर्य जिते मुंड उपरे थांदी सेतेबेले दूरता कम थाए एवं जेतेबेले उदय व अस्त बेले दूरता बढ़ी थाए जेतेबेले कि तांकर रंग लाल होइथाए कारण लाल रंगर तरंग दैर्घ्य होउछि अधिक तेणु सेइटि हनुमान सूचना देले जीव जगत को जे तुमर लक्ष्यस्थल टिके लंबा करिबाकु पड़िबो दीर्घ करिबाकु पड़िबो पाख कर नाही जदि दीर्घ करिबो तुमर लक्ष्यस्थल ताहाले तुमे एक बड़ सफलता पाइब। तापरे कई कई कहते जे से सूर्य को गिलुथिले वास्तव में सूर्य होचंती हनुमान गुरु से गिलु नथिले से गुरु को दर्शन करने जाते जदि लोकमत से सूर्य को गिलुले तार अर्थ से गुरुंर पाद दुईटी को पटी में पुरौते अर्थ पाद धूल को से सेवन करुले हूँ तात्पर्य किंतु पाचिला फल हिसाब से जा खापर जदि चिंता करवा कहीं से एत दूर उड़ीक जाते आकाशे आकाश मार्ग ना ना से सेठ अभ्यास करते से जो प्रभु कार्य करे प्रभु काम करे समुद्र वक्ष को लंघिवा पड़ो तेणु से अभ्यास से जन्म रु ही आरंभ कर छोटिया कथा नुह। आम जदि हनुमान चालीसा कथा आलोचना करवा कहीं हनुमान चालीसा करा जाए चालीसा शब्दर अर्थ हूँ चालीस चार शून कहार अर्थ हनुमान चालीसा कले चारिटा शून हो जाए चारि कौन काम क्रोध लोभ मोह काम क्रोध लोभ मोह सब नरके के पंथ ये हूँ नरकर बाट ये चारि चारोटी हूँ विकार आम शरीर भितर आम हृदय भितर आम विचार ये जो चारोटी विकार अच्छी जदि ये चारोटी विकार को आम बेकार करदवा ताहले जीवन साकार हो जदि चारोटी विकार को आम स्वीकार करवा ताहले जीवन छारखार हो जीवन नारखार हो तेणु आम चालीसा कले ये चारोटी शून हो जाए तेम आम हृदय भितर आम क्रोध लोभ मोह यही प्रकार विकार आउ रुहे ना। हनुमान चालीसार अच्छी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करह गुरु देव के नाही जय 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 केतोटी जय ना तीनोटी जय से तीनोटी जय कौन हनुमान चालीसा अर्थ आम जदि त्रिसंध्या करवा सका मध्यान सन्धार तीनोटी समय आम जब हनुमान चालीसा करवा प्रथम जय हूँ जन्म द्वितीय जय हूँ जीवन आ तृतीय जय हूँ मृत्यु कहार आमर जन्म जय हम आमर जीवन जय हम आमर मृत्यु मध्य जय हम तेणु हनुमान चालीसा को आम तीन थर करवा उचित आउ प्रभु काम करने जिते हनुमान
संकल्पबद्ध होइ आसी शंकर भगवान चतुर्दश अवतार रे ए काम केमिति करिबा कथा प्रभु काम ना प्रभु काम पई आमे टिके तत्पर हेबा आमे टिके आतुर हेइ जा काहीं के आतुर हेइ जिबा ना राम काज करिबे को आतुर राम को कार्य करिबा पई से व्याकुल होइतले तेनु हनुमान भली जने परम सेवक जने परम ज्ञानी जने परम संत मिलिबा दुर्लभ आमे जदि गणेश को प्रार्थना करिबा ताले आमको केवल बुद्धि मिलिबो एवं सरस्वती को प्रार्थना कले आमको केवल कौन मिलिबो ना ज्ञान मिलिबो जदि लक्ष्मी को आराधना करिबा आमको धन मिलिबो किंतु जदि आमे हनुमान को आराधना करिबा ताले आमको कौन मिलिबो ना बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार आमको बल मिलिबो बुद्धि मिलिबो ज्ञान मिलिबो धन मध्य मिलिबो तेणु आसतु आज यही हनुमान जन्मदिन में आज यही महाविश्व संक्रांति रे आज यही उड़िया नववर्ष रे हनुमान आराधना करिबा हनुमान चालीसा करिबा एवं जीवन को चरितार्थ करिबा जीवन को धन्य करिबा जीवन को धन्य करिबा जय श्री राम जय हनुमान।